जो क्लास 9 के लिए हम यहाँ पे एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो है वैलेंसी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी बुक में टेबल आती है वैलेंसी की, तो वैलेंसी की टेबल कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, पूरी एटमिक टेबल है और यहाँ पे वैलेंसी सबकी दे रखी है। ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं आज हम सीखेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक अणु की अन्य अणुओं से संयुक्त होने की क्षमता संयोजन क्षमता यानी संयोजकता कहलाती है। अब इसको समझते क्या होता है, मान लो कोई भी हमारे पास एटम दे रखा है तो वो एटम क्या होता है, दूसरे एटम से कंबाइन होता है। तो वो ऐसे कंबाइन, कोई भी जो एटम्स होता है किसी भी एटम के साथ ऐसे कंबाइन नहीं होता, उनको जितने इलेक्ट्रॉन की जोड़ होती है उसी के साथ वो कंबाइन होता है, ठीक है। अब हम वैलेंसी को सीखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है देखो, पहले सेल में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और दूसरे में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो इसको अपना ऑक्टेन यानी अष्टक पूरा करना है, यानी इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके अंदर सिर्फ 6 है, तो इसके अंदर कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 आ जाएंगे तो कितने जाएंगे, टोटल 8 रहेंगे। तो इसको इसकी टेबल पे वापस आते हैं, तो इसकी टेबल अगर हम देखेंगे तो टेबल में यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीजन ये रहा, देखो तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी टेबल में कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नेक्स्ट वाले बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आर्गन। अब देखो आर्गन में लास्ट में चेक करना, कुछ नहीं चेक करना, लास्ट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट है, पूरा 8 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। टेबल पे वापस आते हैं और देखते हैं इसकी वैलेंसी कितनी, 0 है। तो ये रिवर्ट टेबल और आर्गन हमारा का ये रहा, तो आर्गन ये रहा, इसकी वैलेंसी 0 होगी क्योंकि पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम जाते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम लास्ट में कितने हैं, यहाँ पे 2 है। अब ध्यान से देखना, आप कहोगे यहाँ पे 2 है तो 6 की जरूरत है, तो वैलेंसी 6 होगी, बट 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 अगर आएगा उससे इजी क्या रहेगा, 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ये मान ले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ लास्ट वाले में पूरे बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से बता रहा हूँ, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो हट जाएगा, और लास्ट जो पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन उसमें 8 होंगे टोटल, तो इसकी वैलेंसी इसलिए 6 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। टेबल में चेक करते हो, टेबल हमारे पास क्या है, ये टेबल, और हमारा ये रहा मैग्नीशियम, देखो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आता है हमारा क्या आता है, नेक्स्ट लिथियम। लिथियम में देखो पहले में 2 है, दूसरे में कितना है, 1 है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो 7 लेगा, उससे इजी क्या रहेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी हमारी, देख सकते इसकी वैलेंसी भी हमारी 1 होगी। लिथियम हमारा का ये रहा लिथियम, और इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। तो इस तरह हमने निकालना सीख लिया कि वैलेंसी कैसे निकालते, जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उससे हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है।